जनपद जालौन के कौंच में तेज हवा और बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पर इलाका सुभाष नगर नाथूराम इंटर कॉलेज के नजदीक एक मकान में लगा नीम का पेड़ उस समय भरभरा कर गिर गया जिस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। पेड़ के गिरने की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य जाग गए और इलाका पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। जिस समय पेड़ गिरा उस समय घर का एक सदस्य गैलरी में चारपाई बिछाकर सो रहा था, जिससे दीवार की ईंटें गिरने से उसके शरीर में मामूली चोटें भी आई हैं और कोई हताहत इस दौरान नहीं पाई गई। वहीं पेड़ गिरने से कच्चा मकान भी ध्वस्त हुआ है। मकान गिरने से गृहस्थी का सामान भी दब गया है, जिससे उसका काफी नुकसान हो गया है। वहीं मकान मालिक संजय राठौर का कहना है कि मेरे यहाँ अभी तक कोई भी अधिकार। क्या नाम है आपका? संजय राठौर। कौन बोल रहे? सुभाष नगर। क्या हुआ रात के? रात में जो आधी तूफान पानी आया तो नीम का पेड़ अपने आप गिर गया। और पिताजी आंगन में बाहर लेटे थे तो उनकी कुम्मा पत्थर गिर गए ऊपर। कितना नुकसान हुआ है घर पर? चोट एक दीवार गिर गई है, बाथरूम गिर गई है और थान वगैरह भी गिर गए हैं टूट के।